play the video, please? Can we start? We'll play the video, sir. We're waiting for somebody, no? No, they've all come. आप सबको हमारा नमस्कार। और जैसा कि आपने वीडियो में देखा, ये वीडियो हम लोग आपके साथ साझा करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा के 109 दिन हो गए और इस यात्रा में उमड़े जन सैलाब को देखकर भारतीय जनता पार्टी के होश उड़े हुए हैं, लेकिन वो इतने बौखला जाएंगे ये हम भी नहीं जानते थे। जहां करोड़ों लोग दलगत राजनीति से ऊपर उठकर भारत को जोड़ने में जुटे हुए हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी ने इस यात्रा को बदनाम करने में, दुष्प्रचार करने में, झूठ बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आगे बात करने से पहले आज की बात कर लेनी जरूरी है। भाजपा के नेता कह रहे थे राहुल जी क्रिसमस की छुट्टी मनाने विदेश जा रहे हैं, लेकिन आज कड़ाके की सर्दी में जब भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, बददिमाग प्रवक्ता और नेता कंबल ओढ़कर भारत को तोड़ने में लगे थे, तो राहुल जी महात्मा गांधी की समाधि पर, नेहरू जी की समाधि पर, इंदिरा जी की समाधि पर, राजीव जी की समाधि पर, चौधरी चरण सिंह की समाधि पर और अटल जी की समाधि पर नमन कर अपनी तपस्या पूरी कर रहे थे, शास्त्री जी की समाधि पर भी। और यहां पर जयराम सर ने कुछ दिनों पहले बोला था कि इनको माफी मांगनी चाहिए ये झूठ बोलने के लिए। तो जब आज आपका झूठ फिर से रंगे हाथों पकड़ा गया है, तो क्या माफी वीर की सेना माफी मांगेगी? माफी मांगना इनकी पुरानी आदत है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन बार बार झूठ बोलने की ये जो आदत है आज फिर से पकड़ी गई है और जरूर माफी मांगने का काम होना चाहिए। हम लोग थोड़ा सा सिलसिलेवार तरीके से आपको बता देना चाहते हैं कि किस तरह के और कितने झूठ बोले गए और इस झूठ बोलने को और झूठ को बहाने में
किस किस का हाथ था। शुरुआत होती है राहुल जी क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, कहां सोते हैं, कंटेनर कैसे हैं, उनके भाषणों को काट छाट कर गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया। और ये काम भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल आर्मी ने नहीं किया, ये काम मोदी जी के गृह मंत्री ने, उनके मंत्रियों ने, उनके प्रवक्ताओं ने, उनके आईटी सेल के इंचार्ज ने और भक्तों ने मिलकर किया। और इसमें बहुत बड़ी भूमिका, बड़े खेद और दुख के साथ कहती हूं, बहुत बड़ी भूमिका मीडिया के कुछ चंद संस्थानों ने भी निभाई, जिनको मैं नोएडा का कमांडो वॉरियर एंकरगढ़ कहती हूं। झूठ को परोसा गया, झूठ को और बढ़ाया गया, उन पर हमारी नजर है और हम आगे उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि जिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यह झूठ बढ़ाया गया, उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने भी इस झूठ को बेनकाब किया। अगर एक आईटी सेल के ट्वीट्स को एक प्लेटफॉर्म कहता है ये मैनिपुलेटेड है या ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है या फैक्ट चेकर्स उसको बेनकाब करते हैं, तो ये सिर्फ उनकी बेइज्जती नहीं है, ये उस अध्यक्ष की बेइज्जती है जिन्होंने उनको अपॉइंट किया है। जब मंत्री उसको शेयर करते हैं तो ये मोदी जी का झूठ पकड़ा जाता है जिनको उन्होंने नियुक्त किया है। तो सिलसिलेवार तरीके से 9 बड़े झूठ जो बोले गए और उनका कैसे पर्दाफाश हुआ। जैसा कि आपने देखा, पहला झूठ था 5 सितारा होटल की तरह कंटेनर है। कंटेनर ऐसे हैं जहां 4 से लेके 8 और 8 नहीं कहीं कहीं 12-12 लोग एक कंटेनर में रुकते हैं। ट्रक के ऊपर बने हुए ये कंटेनर कोई ऐसी सुविधा से लैस नहीं है। और अगर ज्यादा उन सुविधाओं का को उठाने का मन है तो भाजपा के कुछ लोग आए और रहे उन कंटेनरों में 4 महीने तक। गर्मी से बरसात हो गई और बरसात से कड़ाके की ठंड आ गई और आज भी यात्री उस कंटेनर में रुके हुए। पहला झूठ ये था और उसका जबरदस्त पर्दाफाश हुआ। दूसरा झूठ, राहुल जी ने कन्याकुमारी में विवेकानंद जी की आराधना नहीं करी, उनका नमन नहीं करा। और इसमें राहुल गांधी ट्रोल मंत्रालय, जो एक सरकार को अधिकृत तौर पे बना देना चाहिए क्योंकि उसकी एक मंत्री ऑलरेडी है स्मृति ईरानी जी, अपने मंत्रालय पर महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो या कुपोषण हो एक शब्द नहीं बोलती है। लेकिन राहुल गांधी जी को ट्रोल करना हो तो सबसे पहले लपक के आ जाती है। बट द सिली सोल डिड नॉट रियलाइज दैट देयर वर पिक्चर्स अवेलेबल, देयर वाज वीडियो अवेलेबल, जहां पर राहुल गांधी ने जी ने ना सिर्फ नमन किया विवेकानंद जी का, उनके स्मारक की परिक्रमा भी करी। तो उनका झूठ पकड़ा गया। लेकिन मैं ये जरूर बोलना चाहती हूं कि जहर उगलना राहुल गांधी के खिलाफ एक बात है, आप संविधान की शपथ लेकर एक मंत्री बनी है, आपका मंत्रालय जरूर बदलकर राहुल गांधी ट्रोल मंत्रालय बना देना चाहिए। तीसरा झूठ बोला गया, राहुल गांधी भाषण नहीं देते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। आप में से तमामों साथी ऐसे हैं जिन्होंने पिछली 8 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस राहुल गांधी जी की अटेंड करी है, उन्होंने तमामों जनसभाएं करी हैं, कई नुक्कड़ सभाएं करी हैं जहां पर वो लगातार भाषण देते आए हैं और बिना टेलीप्रॉम्प्टर के भाषण दे रहे हैं और बिना सवाल जवाब एक्सचेंज में, जिसका मन आता है वो सवाल पूछता है, कोई सवाल पहले से नहीं आता है और लगातार सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। ये अलग बात है कि उनके भाषणों से सरकार की नींद गायब है। और एक बात और है, 8.5 साल से ऊपर हो गए, मोदी जी ने एक भी प्रेस वार्ता नहीं करी, बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बोलते नहीं है, टेलीप्रॉम्प्टर फेल होता है तो मोदी जी ढेर हो जाते हैं, तो उनके लोगों को लगता है कि जैसे वो है वैसी दुनिया है। लेकिन ऐसा है नहीं, राहुल गांधी जी ने 8 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी हैं, आगे भी करेंगे और लगातार भाषण देकर इस सरकार की बखिया उधेड़ रहे हैं। एक बहुत बड़ा झूठ बोला गया, ये चौथा झूठ है, कि राहुल जी दक्षिण में सिर्फ चर्च गए। ये वही बोल सकता है जो ना हिंदुस्तान को समझता है, ना हमारे देश की संस्कृति को समझता है, ना दक्षिण की मान्यताओं को समझता है, ना दक्षिण के मंदिरों के बारे में जानता है। वैसे तो राहुल जी तमामों हर उस जगह गए जहां इंसान जाकर आस्था से सिर झुकाते हैं, चाहे वो मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, दरगाह हो, मस्जिद हो या चर्च हो। लेकिन क्योंकि यह झूठ परोसा गया तो दक्षिण भारत के कुछ मंदिरों का जिक्र यहां पर करना जरूरी है। केरल का श्री नारायण गुरु समाधि शिवगिरी मठ, माता आनंदमयी का आश्रम, थुरवूर मंदिर, कर्नाटक में श्री कंठेश्वर मंदिर, सुत्तूर मठ, चामुंडेश्वरी देवी का मंदिर, आंध्र प्रदेश में श्री महायोगी लक्ष्मा अव्वा का मंदिर, श्री राघवेंद्र स्वामी मठ, महाराष्ट्र में गुरुद्वारा यादगारी बाबा जोरावर और फतेह सिंह जी, तख्त सचखंड श्री हजूर अचलनगर साहिब, गजानन महाराज मंदिर, मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर,
नर्मदा का घाट और श्री महाकालेश्वर के तमाम उन मंदिरों में गए जहां हम और आप जैसे लोग जाते हैं और आस्था से इस देश की सुख और समृद्धि की कामना करते हैं। लेकिन ट्रोल आर्मी को, आईटी सेल को, भाजपा के मंत्रियों को और बददिमाग प्रवक्ताओं को, क्योंकि यह देश समझ में नहीं आता, यहां की संस्कृति समझ में नहीं आती, वो नहीं जानते कि ईश्वर का वार्स तो कड़कड़ में है। पांचवा बड़ा झूठ परोसा गया कि भारत जोड़ो यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, क्योंकि मंदिरों से दाल गली नहीं तो चिर परिचित स्क्रिप्ट आ गई पाकिस्तान की। वो झूठ भी पर्दाफाश हुआ, हमने FIR भी करी उन लोगों के खिलाफ, क्योंकि ये बताना जरूरी था कि कांग्रेस जिंदाबाद को तोड़ मरोड़ कर आईटी सेल ने पाकिस्तान जिंदाबाद बनाकर प्रस्तुत किया था। छठा झूठ, और ये बहुत बड़ा झूठ था और ये आप सब लोग जानते और समझते हैं, कि राहुल गांधी जी ने नर्मदा मां के तट पर उल्टी आरती करी। अगर बेचारे ट्रोल आर्मी, आईटी सेल के हेड, ये मंत्री सातवीं कक्षा में जाकर थोड़ा पढ़ लेते स्कूल में तो लैटरल इन्वर्जन समझ जाते। जब आप आरती ऐसे करते हैं जो सही तरीका है करने का, तो वो कैमरे पर हमेशा उल्टी ही दिखती है, क्योंकि पी कैमरे पर 9 दिखता है, ये लैटरल इन्वर्जन होता है। लेकिन इस पर भी ये नहीं टिके, ये तब चुप हुए जब मोदी जी के तमामों वीडियो सामने आ गए और महामानव भी उल्टी आरती करते नजर आ रहे थे। आरती तो दोनों लोग सीधी कर रहे थे, लेकिन जब महामानव का चित्र सामने आया तो पूरी की पूरी ट्रोल आर्मी उसके बाद चुप हो गई। तो कहने की बात यह कि आप ट्रोल करने राहुल गांधी जी को जाते हैं, बखिया आप मोदी जी की उधेड़ लेते हैं, पता नहीं किसकी सुपारी लेके कौन काम कर रहा है यहां पर। उसके बाद सातवां झूठ बोला गया कि एक लड़की थी, उसने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे, उससे राहुल गांधी जी मिले। सर्वथा झूठ, इसको फैक्ट चेकर्स ने चेक किया, उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने गलत ठहराया। जिस लड़की ने ऐसा किया था, यह गलत नारा लगाया था, उसका नाम अमूल्या लियोना था। जिस लड़की से राहुल गांधी जी मिले वो केरल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया की लीडर है, मीवा एंड्रोलिया। बेचारे भक्तों को चश्मा भी खरीदना चाहिए और हर छोटे बाल वाली लड़की को एक नहीं समझना चाहिए। दो अलग अलग लड़कियां थी, उनके खिलाफ झूठ बोलकर अपनी मूर्खता का तो परिचय दिया ही, साथ में चश्मे का बढ़े नंबर का भी परिचय दिया। आठवां झूठ एक बोला गया, बड़ा भयावह झूठ था ये, कि यात्रा में यात्री जो है वो शराब पीकर निकल रहे हैं। असलियत ये थी कि ये मालाबार होटल एक चाय की दुकान है, हम लोगों ने उसकी GPS लोकेशन भी रिलीज करी और वहां पर ओचिरा कोल्लम में ये दुकान थी, वहां पर चाय ब्रेक के लिए सब लोग निकले थे और वहीं से यात्रा की पुनः शुरुआत हुई थी। वहां के एक वीडियो को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया, इतने झल्लाए, इतने बौखलाए हुए ये लोग हैं कि चाय पीना इनको मदिरा नजर आता है, जैसा कि इनकी रैलीज में होता है। आज के लिए हम नवा और अंतिम झूठ आपके सामने बता रहे हैं, और ये कुछ ही दिन पहले हुआ, फेक न्यूज के सरगना बीजेपी के आईटी सेल के हेड, उन्होंने ट्वीट करते हुए बोला और तमाम लोग उसके बाद उसको फैलाने लगे, उसमें से कुछ चरण चुंबक एंकर भी थे, कि कैसे पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह जी ने राहुल गांधी जी के जूते के फीते बांधे। असलियत यह थी कि उनके जूते के फीते खुल गए थे, वो राहुल जी के साथ आगे चल रहे थे, राहुल जी ने उनको अपने जूते के फीते बांधने के लिए कहा, अगर वो रुकते तो कारवां और बढ़ जाता और पीछे से काफी भीड़ आती है, तो राहुल गांधी जी खुद रुक गए, वो आए बीच में, उन्होंने अपने जूते का फीता बांधा और इस पर उन्होंने वीडियो भी रिलीज किया और स्पष्टीकरण भी दिया। लेकिन बेचारे लोग लगे रहे, और कब तक लगे रहे, क्योंकि विडंबना ऐसी थी कि राहुल गांधी जी जो जूता पहनते, और हां मैंने वो वीडियो रिलीज किया, मैंने वो पिक्चर रिलीज करी, जो राहुल गांधी जी वीडियो पहनते हैं वो लेस लॉक्ड है, उसमें लेस बांधनी ही नहीं पड़ती है। लेकिन बेचारे ट्रोल, बार बार इनका झूठ पकड़ा जाता है, इनका एक ही काम है झूठ बोलना, लेकिन बार बार फजीहत होती है। मेरा अपना मानना है कि ये झूठ भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल आर्मी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, इनके मंत्री, इनके लोग अपने आप से नहीं बोल रहे हैं, इनकी नियुक्ति या तो मोदी जी ने करी है या नड्डा जी ने करी है, और इसीलिए द बक ऑन ऑल ऑफ दीज लाइज स्टॉप्स विद देम। उनके दरवाजे पर आकर ये सारे झूठ रुक जाते हैं, ये झूठ और दुष्प्रचार का काम उन्हीं लोगों ने किया है। हम ये जानते थे कि लोगों को भारत जोड़ता देखकर तानाशाह परेशान जरूर होगा, लेकिन माफी वीरों के इन झूठों को झूठ का पुलिंदा बनाते देखकर शायद थोड़ा सा तरस भी आता है। और जैसा कि मैंने कहा, कुछ नामी गिरामी न्यूज एंकर
इस झूठ को बढ़ाने का काम करते हैं, जब बताओ तो डिलीट कर देते हैं, माफी मांगते हैं पीछे से, शायद सार्वजनिक रूप से आप लोगों को नहीं दिखाते होंगे, डीएम मैसेजेस कर और एसएमएस करके माफी मांगते हैं, लेकिन अपना जमीर बेचकर पत्रकारिता का जो आप स्वांग रच रहे हैं वो बंद कर दीजिए, क्योंकि आप किसकी गोदी में बैठे हैं वो आपकी हर एक ट्वीट, आपके हर एक फेसबुक पोस्ट, आपकी हर एक लाइक से जरूर पता चल जाता है। राहुल जी एक बात बिल्कुल सही कहते हैं और इस पर मैं 100% सहमत हूं कि बीजेपी का काम है छवि खराब करना, लेकिन बेचारे ये काम भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, बार बार पकड़ लिए जाते हैं। कांग्रेस के खिलाफ दुष्प्रचार करने में मोदी जी ने अपने तमाम और ट्रोल आर्मी, बेतहाशा पैसा, मीडिया के अधिकांश एंकरगढ़ को खड़ा कर दिया है, लेकिन जब भारत जुड़ने पर आ गया है तो ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इनका झूठ बार बार पकड़ा जा रहा है। और एक आदमी अपनी तपस्या को करते हुए, अजनबियों को गले लगाते हुए, आंसू पोंछते हुए, लोगों को हौसला जताते हुए, उनके टूटे सपनों को बिखरे हुए सपनों को जोड़ते हुए आगे बढ़ता जा रहा है और ये देश जुड़ता जा रहा है, और यही हमारी जीत है। हर झूठ का पर्दाफाश होता है क्योंकि झूठ की उम्र बहुत कम होती है, तो आप लोग जरूर ये झूठ जो है दिखाइएगा। और यहां इस मंच से सिर्फ अंतिम यही कहना है कि ये झूठ प्रायोजित है, ये झूठ शीर्ष सरकार के शीर्ष ऑफिस से निकाले जा रहे हैं। हमें पता है कि 30 लोगों की एक आर्मी बैठकर पूरे वक्त यात्रा देखती है। मैं तो इस मंच से कहती हूं आइए इस यात्रा से जुड़िए, मोदी जी खुद भी आए इस यात्रा से जुड़े, जो प्रेम और मोहब्बत और जो जज्बा देखने को मिलता है उससे आपके अंदर की नफरत बदल जाएगी और आप एक बेहतर इंसान बन जाएंगे। धन्यवाद। एक मिनट, मैं अभी अभी सुप्रिया जी ने आपको 9 मिसाल गिनाए हैं झूठ का, मैं आपको एक 10वां उदाहरण देना चाहता हूं। जिस तरीके से संवैधानिक और कानूनी संस्थाओं के द्वारा प्रयास किया गया है भारत जोड़ो यात्रा को बदनाम करने के लिए और पटरी से हटाने के लिए, डीरेल करने के लिए, इन संस्थाओं का दुरुपयोग हुआ है। हमें नोटिस मिला इलेक्शन कमीशन से, हमें नोटिस मिला नेशनल कमीशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स से कि राहुल जी गए थे, एक ऑन द स्पॉट पेंटिंग कंपटीशन था, वहाँ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन समारोह था और मुश्किल से 10-12 मिनट वहाँ राहुल जी रुके कन्याकुमारी के पास, और उसको लेकर एक बवाल मच गया। हमें नोटिस मिली, मुझे खुद इलेक्शन कमीशन में जाना पड़ा, स्पष्टीकरण मैंने दिया, हमने एक विस्तार से जवाब भी दिया। पर जब प्रधानमंत्री खुद गुजरात के चुनाव के अभियान के दौरान एक छोटी बच्ची का इस्तेमाल करते हैं और उनसे बहुत कुछ बुलवाते हैं, उस पर जब हमने इलेक्शन कमीशन को अवगत कराया, एनसीपीसीआर को हमने शिकायत की, उस पर चुप्पी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं, कोई नोटिस नहीं प्रधानमंत्री को या बीजेपी के पार्टी को। ये दोहरे मापदंड है। अभी अभी 2-3 दिन पहले हरियाणा में कई लोग मुझे आकर मिले और कहे आईबी के कुछ जो अफसर हैं उनसे पूछताछ कर रहे हैं, आप क्यों मिले, किस विषय पर बात हुई, आपने कुछ राहुल जी को ज्ञापन दिया, उसकी हमें कॉपी मिल सकती है। किसान संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता, पूर्व सैनिक, सबसे आईबी के अफसरों ने बात की। हमें कुछ छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, पूरी पारदर्शिता से भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है। ये ही नहीं, हमारे कैंपसाइट में 2 दिन पहले एक कंटेनर के अंदर 2 इंटेलिजेंस के अफसर हरियाणा सरकार के, वो पाए गए, किसी ने देखा उनको तब उनको पकड़ा, पूछा क्या कर रहे हो कंटेनर में, वो कह रहे हैं हम टॉयलेट इस्तेमाल कर रहे हैं। कैंपसाइट में टॉयलेटों की कमी नहीं है, पर वही कंटेनर में जाना
मैं समझता हूं ये जानबूझकर किया गया था, और हमने सोना पुलिस स्टेशन में शिकायत भी की, उसकी कॉपी आज सुबह मैंने ट्वीट किया है, वैभव वालिया जिसने शिकायत की भारत यात्रियों के ओर से, उन्होंने वो ट्वीट किया है, आपको सब उपलब्ध है, ये शिकायत की है हमने। और अनौपचारिक तौर से हमें कहा गया कि ये हरियाणा सरकार के इंटेलिजेंस अफसर हैं, ये तो डबल इंजन सरकार है, हरियाणा की इंटेलिजेंस के अफसर कुछ करेंगे नहीं जब तक उनको कोई आदेश नहीं आएगा केंद्र सरकार से, क्योंकि ये डबल इंजन सरकार है। तो ये संस्थाओं का दुरुपयोग जो हो रहा है, हमें कोई छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई सीक्रेसी नहीं है भारत जोड़ो यात्रा में, पूरी पारदर्शिता से भारत जोड़ो यात्रा पहले दिन से चल रहा है। कंटेनर की बात आई, कंटेनर को हमने वीडियो होने दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की आई, राहुल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किए, अलग अलग सवाल उठाए गए और हमेशा हमने वो सवालों को जवाब देने का प्रयास किया है। पर मैं एक बात कहूं कि ये प्रयास ये जारी रहेगा। अभी कोविड को लेकर एक प्रयास किया गया, एक खत हमें लिखा गया राहुल जी को स्वास्थ्य मंत्री की ओर से, और मैंने कहा है और मैं दोहराऊंगा, वो खत जो स्वास्थ्य मंत्री लिखते हैं राहुल जी को, वो किसी विशेषज्ञों के सलाह के आधार पर नहीं, ICMR के सलाह के आधार पर नहीं, कोई वैज्ञानिक संस्थाओं के सलाह के आधार पर नहीं, परंतु दो बीजेपी सांसदों के खत के आधार पर लिखा है। पीपी चौधरी बीजेपी की सांसद हैं राजस्थान के, और राजस्थान में जो उन्होंने देखा, जो स्वागत भारत जोड़ो यात्रा को मिला, उसके बाद पीपी चौधरी और एक दो और सांसद स्वास्थ्य मंत्री को लिखे, और उसी के आधार पर स्वास्थ्य मंत्री राहुल जी को लिखते हैं, ये तो बिल्कुल राजनीतिकरण है। तो ये प्रयास किए जाएंगे, अभी यूपी बाकी है, हरियाणा बाकी है, पंजाब बाकी है, जम्मू और कश्मीर बाकी है, मुझे पूरा विश्वास है कि यह प्रयास जारी रहेगा। पर यह बदनाम, भारत जोड़ो यात्रा को बदनाम करने में लगे रहेंगे, इसको डिरेल करने में लगे रहेंगे, पर वो सफल नहीं होंगे, क्योंकि एक इसका एक सिंपल कारण है कि हम पूरी पारदर्शिता से और ईमानदारी से ये भारत जोड़ो यात्रा की प्लानिंग हुई है और भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई है, हमें कोई नहीं रोक सकता, राहुल जी को और भारत यात्रियों को कोई नहीं रोक सकता। हम 120 भारत यात्रियों के साथ हमने भारत जोड़ो यात्रा को 7 तारीख सितंबर को कन्याकुमारी में शुरू किया था, आज 150 भारत यात्री हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि जब हम श्रीनगर पहुंचेंगे तब भारत यात्रियों की संख्या 200 हो जाएगी। अलग अलग राज्यों से लोग आ रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा, उनको फॉर्मली भारत यात्रियों का डेजिग्नेशन नहीं दिया गया है, पर अभी कुछ ही दिनों में हरियाणा में, पंजाब में, यूपी में और जम्मू और कश्मीर में जब आप देखेंगे, जो 120 की जो संख्या थी जिसकी शुरुआत हमने की थी राहुल जी के साथ, वो संख्या 200 तक पहुंच जाएगी। शुक्रिया। नहीं, ट्रोल करने वाले खैर भाजपा की आईटी सेल है और आपकी कम्युनिटी के एंकर्स हैं, जो पत्रकारिता का पहला मूल मंत्र भूल चुके हैं कि आपको बायस्ड नहीं होना है, छोड़िए उस बात को। एक बुजुर्ग व्यक्ति आए थे राहुल जी के साथ, वो तस्वीर लेना चाह रहे थे, और बार बार जो सेल्फी लेने वाला व्यक्ति था उनके सामने कैमरा कर रहा था। आप वीडियो की स्पीड को जब बढ़ा देते हैं तो लगता है हाथ झटक रहा है, ओरिजिनल वीडियो में वो उसका हाथ नीचे ही कर रहा है, जैसा हम लोग कई बार सार्वजनिक जीवन में करते हैं, ये कोई मुद्दा ही नहीं है।
मैं पहले तो इस बात का जवाब दे दूं कि जब राहुल गांधी जी या कांग्रेस पार्टी संस्थागत रूप से कुछ करती है तो वही पार्टी की विचारधारा है और वही पार्टी का स्टैंड है। किसी ने किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर क्या कहा, जो कि अब डिलीट भी हो चुका है मेरी जानकारी के अनुसार, मुझे नहीं लगता वो चीज मायने रखती है। और आप एप्पल्स टू ऑरेंजेस कंपेयर करिए, कहां राहुल जी अगर एक स्टैंड लेके खड़े और किसी ने कोई ट्वीट किया, वो उनका व्यक्तिगत मत हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता वो पार्टी का किसी भी तरह से स्टैंड है। आप सब लोगों ने सवाल पूछा कि अटल जी की समाधि वो क्यों गए। मुझे लगता है कि वो अटल जी की समाधि भी गए, वो चौधरी चरण सिंह जी की समाधि भी गए, वो शास्त्री जी की समाधि भी गए, महात्मा की समाधि भी गए, नेहरू जी की भी समाधि गए, इंदिरा जी पर भी गए और राजीव जी पर भी गए। शास्त्री जी का मैंने बोला। मेरा अपना मानना है कि राहुल गांधी एक तपस्या पर निकले, और वो कहते हैं ये कि मैं एक तपस्या पर निकला हूं, मेरे लिए भारत जोड़ो यात्रा एक तपस्या के स्वरूप है। और जब आप तपस्या करते हैं तो आप सबको जोड़कर चलने की कोशिश करते हैं। हमारा अपना मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी अगर यात्रा में शामिल होना चाहें, जो पहले हाथ बांध के दफ्तरों के ऊपर खड़े रहते थे और अब अभिवादन करते हैं हाथ जोड़कर जब हमारी यात्रा उनके दफ्तरों के बाहर से निकलती है, ये बदलते भारत का स्वरूप है। अटल जी की जहां तक बात है, हर व्यक्ति का इस देश को बनाने में कॉन्ट्रीब्यूशन है, और जब राहुल जी वहां जाते हैं तो वो एक ऐसे व्यक्ति की समाधि पर गए जिन्होंने 2002 में गुजरात के मुख्यमंत्री को और आज के प्रधानमंत्री को राजधर्म की शिक्षा दी थी। और मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी को अटल जी की समाधि पर देखकर आज के प्रधानमंत्री को अपना राजधर्म जरूर याद आना चाहिए और उनको उसका पालन करना चाहिए जो अटल जी उनको कभी सिखाना चाहते थे। राजनीति बड़े मन से की जाती है और वही काम राहुल गांधी जी ने किया आज। इस लोकतंत्र में हर विचारधारा समावेशित होती है। लोकतंत्र सिर्फ कांग्रेस है, हम ये बिल्कुल नहीं मांगते। हम नहीं सोचते कि भाजपा मुक्त देश हो जाना चाहिए। हमारा अपना मानना है कि हर विचारधारा की अपनी जगह है, लेकिन अगर विचारधारा का ये विषाक्त रूप जो आज देखने को मिल रहा है, विचारधारा के नाम पर अगर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, शोषित वंचित समाज को अगर आप टारगेट करेंगे, उनको मारेंगे, उनको पीटेंगे, तो जरूर हम उसके खिलाफ बोलेंगे। मुझे नहीं लगता कि अटल जी की सरकार में, अगर अटल जी प्रधानमंत्री थे और उन्होंने अपने मुख्यमंत्री से कहा राजधर्म का पालन करो, तो जिस विचारधारा का उल्लेख आप कर रहे हैं उन्होंने वो नहीं किया था। वो संविधान के साथ खड़े थे और संविधान में सबके हितों की बात कर रहे थे। द सेम थिंग I think a lot is being made out about somebody's tweet. I think when Rahul Gandhi stands up for something, that is the party's stand. The person in question has also deleted it, to the best of my knowledge. But that is he has emphatically deleted it. But that is not the issue. The issue is that when Rahul Gandhi goes and pays homage at the samadhis of whether it's Rajiv Ji or Indira Ji or Shastri Ji, Nehru Ji, Mahatma, Chaudhary Charan Singh, or even Atal Bihari Vajpayee Ji, he's actually paying homage to each and every individual who has built this country. And Vajpayee Ji is one of them. And quite frankly, Atal Bihari Vajpayee was the Prime Minister who told then Gujarat Chief Minister in 2002 and today's Prime Minister to follow the Raj Dharma, which was to follow the Constitution. He told him that lesson. It's a pity Mr. Modi never learned that lesson and he has kept the constitution at bay. We only hope and pray that today after seeing Rahul Ji at Atal Ji's Samadhi, Mr. Modi will realize that his utmost duty is to safeguard the constitution and to stop the violence in his name that's happening. And I think that is the message that Rahul Gandhi was trying to deliver. Rahul Gandhi's Bharat Jodo is about a confluence of all kinds of ideologies. And when Atal Bihari Vajpayee Ji told Modi, Mr. Modi, to follow the Raj Dharma, to uphold the constitution, he was safeguarding the constitution. And Mr. Gandhi's presence at Atal Ji's Samadhi is a mark of that respect. Koi aur sawal? Yes,
And what does he have to say about our victory in Himachal? Does that not change the political picture in this country? What does he have to say? The hands down victory of the Congress party in the गल में घुसकर हराया है नागपुर में हमने भारतीय जनता पार्टी को, उसके बारे में वो क्या कहेंगे? The message in Gujarat is very wide and clear that there is a team B and 5 MLAs were almost willing to jump ship, but it would have reflected very badly on both team A and team B, and which is why they were stopped. Let us not read too much into one verdict and not the other. If Gujarat was a reflection of that, then what is Himachal a reflection of? Somebody should turn around and ask the Home Minister these questions. देखिए, आपने अभी तक देखा होगा कि तमामों वो लोग दलगत राजनीति से ऊपर उठकर भारत जोड़ो यात्रा के साथ जुड़ रहे हैं। उसमें राजनीतिक लोग भी हैं, उसमें समाज सेविकाएं भी हैं, समाज सेवक भी हैं, उसमें किसान हैं, उसमें मजदूर हैं, उसमें डॉक्टर्स हैं, उसमें आशा आंगनवाड़ी के लोग हैं। तमाम वो ऐसे लोग हैं जो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर भारत जोड़ो यात्रा के साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आज देश को जोड़कर रखने की जरूरत है। अगर बिखर गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी समेटने में, और ऐसे में हर योद्धा का स्वागत है। मुझे नहीं पता आप लोगों ने नोटिस किया कि नहीं किया, लेकिन 24 तारीख को जब दिल्ली में यात्रा चल रही थी तो डीएमके के, शिवसेना के तमामों सांसद यात्रा में आके चले थे। वो भीड़ और वो जनसैलाब इतना बड़ा था कि शायद आप लोग इतना नोटिस ना कर पाए हो, लेकिन तमामों दलगत राजनीति से ऊपर उठकर लोग इससे जुड़ रहे हैं। तो यहां पर हर योद्धा का स्वागत है, हर योद्धा जो इस देश को जोड़कर रखना चाहता है, जो बुनियादी तौर पर इस देश की संस्कृति को, इस देश की मान्यताओं को समझता है, वो इस यात्रा से जरूर जुड़ेगा। मेरा तो अपना मानना है कि इस यात्रा में मोदी जी को स्वयं आना चाहिए। आएंगे, चलेंगे, जज्बा और मोहब्बत देखेंगे लोगों की, तो अंदर की नफरत भी खत्म होगी और इस देश को थोड़ा समझेंगे भी, फिर शायद टेलीप्रॉम्प्टर लगाने की जरूरत ना पड़े। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।